हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमारे पिछले दो वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहां पर दिख रही होगी। सबसे पहली है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वेयर ब्रैकेट में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पार्ट बंद होता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यह नॉन आयनाइजेबल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को जब हम लोग पानी में डिसोल्व करेंगे, वाटर में डिसोल्व करेंगे, तो इसमें जो लिगेंड और मेटल हैं वो डिसोसिएट आयनाइज नहीं होंगे, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे और वहां पर उनकी आइडेंटिटी शो नहीं होगी। तो ये हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। जो मेटल आयन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, और Cl और यहां पर कोबाल्ट है, और Cl और NH3 ये दोनों हुए हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, जो अपने इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं कोबाल्ट के साथ। इन्हें हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। अगली हमारी टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली सरल भाषा में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड और मेटल्स, लिगेंड्स और मेटल के बीच में जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में यह है हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें प्लेटिनम से 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके। एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, 6 क्लोरीन के हुए 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं निकिल से 4 एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं। एमीन लिगेंड मोनोडेंटेट होते हैं, एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन एटम के थ्रू, इसलिए 4 एमीन लिगेंड, तो टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 4 हुए इस कंपाउंड में, और इसका भी यहां सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। इस तरह से दो एग्जांपल हमारे पास और हैं। इस कंपाउंड को देखने पर आपको लगेगा कि यहां आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लिगेंड है ऑक्सलेटो और ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सलेट लिगेंड दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर कुल 3 ऑक्सलेट लिगेंड, इसलिए कुल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हुए ऑक्सलेट लिगेंड और आयरन के बीच में, Fe के बीच में, इसलिए इस कंपाउंड में तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, इसमें En लिगेंड आपको दिख रहा होगा, ये है इथाइलिन डाइएमिन, ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका मतलब एक EN बनाएगा दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 3 EN है यहां पर बनेंगे कुल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ कोबाल्ट का 6। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जितने बनते हैं उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगली टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल कोई भी जो मेटल आयन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसको यहां पर कैसे डिफाइन किया जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टर्म्स में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल आयन से जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं हम उन सबको उनके लोन पेयर सहित रिमूव कर लें, जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बना रहे थे उस सहित उनको रिमूव कर लें, तो सेंट्रल मेटल एटम पे जितना चार्ज डेवलप होगा या जितना चार्ज बचेगा वो उस पर, वो उसका हुआ ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, ये एक लॉजिकली ये बहुत इजी है और लॉजिक के बेस पे ये चलता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2 प्लस चार्ज अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ये 2 प्लस चार्ज कैसे आया, ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड जो हैं उन सब के चार्जेस का योग है, सम है ना। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कॉपर का प्लस 2 है और NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, उसकी संख्या 4 है और चार्ज उसका 0 है, तो इनका प्रोडक्ट हो गया 0। तो ये जो प्लस 2 है कॉपर का वो एज इट इज पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अपीयर हो रहा है, तो इसलिए कॉपर का यहां पर चार्ज क्या हुआ, प्लस 2। इसी तरह से हम लोग ये जो एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स है उसमें भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहां पर लिगेंड है हमारे पास CN, CN में चार्ज होता है -1, एक CN में एक -1, चार CN है तो चार -1, चार माइनस हो गए, चार माइनस में से आप देखिए तीन माइनस यहां अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब एक माइनस CU के चार्ज से न्यूट्रलाइज हो रहा है, काउंटर बैलेंस हो रहा है। तो CU का चार्ज कितना हुआ, प्लस वन चार्ज हुआ, तो प्लस वन चार्ज हुआ, यही तो CU का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस तरह से हम बहुत सिंपली लॉजिकली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की स्कीम यहां दिखाई हुई है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज अपीयर हो रहा होता है, इस केस में यहां पर प्लस 2 है, 2 प्लस है, वह है कोऑर्डिनेशन इस कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी लिगेंड और मेटल एटम है उनके चार्जेस का सम होता है, इनके चार्जेस का योग होता है। अब इस बेसिस पे हम सेंट्रल मेटल एटम है जो कोबाल्ट, उसके चार्ज को या उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मानते हुए हम एक इक्वेशन डेवलप करते हैं। वो यहां इक्वेशन क्या हुई, देखिए कोबाल्ट का हमने चार्ज मान लिया एक्स, एमीन या अमोनिया, एमीन NH3 उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका नंबर 4 है, संख्या इसकी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड विद 0, फिर प्लस, और H2O का नंबर 1 है, चार्ज इस पे 0 है, तो 1 मल्टीप्लाइड 0, प्लस क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, हम जानते हैं यहां एक ही क्लोराइड है, तो -1 हुआ टोटल। इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जो टोटल चार्ज अपीयर हो रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर, प्लस 2 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारी बन गई ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन हो गया एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स -1 इज इक्वल टू 2, प्लस 2 आएगा और एक्स की वैल्यू आएगी +3। तो इस तरह से कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज हुआ, +3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +3। तो इस तरह से सिंपल सा जो रूल है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी लिगेंड और मेटल के चार्जेज का सम है वो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अपीयर होता है, वो उसके इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इक्वेशन डेवलप करेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड्स स्पेस में अरेंज हो जाते हैं। तो जिस तरह की ज्योमेट्री का वो निर्माण करते हैं, जिस तरह की ज्योमेट्री का पैटर्न वो बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम बेसिकली तीन तरह के जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, या तीन तरह की ज्योमेट्री वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन तरह की ज्योमेट्री कौन कौन सी है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जिनके बारे में आपने सुन रखा है, और स्क्वायर प्लेनर। ये तीनों ही तीनों के बारे में ही आपने सुन रखा है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल हुआ, ये हमारा टेट्राहेड्रल है, और ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है वो और भी तरह के होते हैं, जैसे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है, लेकिन ये हमें हमारे चैप्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे चैप्टर में सिर्फ तीन ही तरह के कॉम्प्लेक्स आएंगे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर वाले। अगली हमारी टर्म है होमोलेप्टिक हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस।
इसे समझाना बहुत इजी है। जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सारे लिगेंड एक ही तरह के हों, जैसे यहाँ पर 6 के 6 लिगेंड एमीन है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलेप्टिक। और जब एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हों, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेज को बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। तो लिगेंड कितने तरह के लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसके बेसिस पे हेट्रोलेप्टिक या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। अब है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड बहुत ही सिंपल है, एक लिगेंड एक साथ मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है वो हुई उसकी डेंटिसिटी। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, दैट इज डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। अब डेंटिसिटी यदि लिगेंड की 1 हुई, डेंटिसिटी लिगेंड की क्या हुई 1, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल हैं एमीन, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और ये क्लोराइड में जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सब वो लिगेंड हैं जो एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ में, और इन्हें हम बोलते हैं मोनोडेंटेट, इनकी डेंटिसिटी हुई 1। इस तरह से EN इथाइलिन डाइएमीन एक लिगेंड है जो कि जिसमें 2 एमीन ग्रुप होते हैं NH2, और इन दोनों की हेल्प से यह मेटल के साथ में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यह हुआ एक बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह से यदि कोई लिगेंड 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए मेटल के साथ तो हुआ ट्राइडेंटेट, 4 वाला टेट्राडेंटेट, 5 वाला पेंटाडेंटेट और 6 वाला हेक्साडेंटेट। इन सभी को हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेट। 2 से ज्यादा यदि डेंटिसिटी हो तो उनको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। हमारे सामने यहाँ पे एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है EDTA। इसमें आप देखिए 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। इन 6 डोनर एटम की हेल्प से यह एक मेटल के साथ में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, इसलिए यह हुआ हेक्साडेंटेट लिगेंड और इसकी डेंटिसिटी हुई 6। यह एक लिस्ट है मोनोडेंटेट लिगेंड्स की, जिसमें शुरू शुरू में ये सारे के सारे निगेटिवली चार्ज लिगेंड है और ये लास्ट में कुछ न्यूट्रल लिगेंड दिए हुए हैं। इन सबके IUPAC नेम, इन सबके जो नाम हैं वो हमें यहाँ दिए हुए मिलेंगे। अब लिगेंड्स हमें किस तरह से याद रखने, देखिए लिगेंड्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और लिगेंड का चार्ज आपको विशेष रूप से याद रखना है। कार्बोनेट में CO3 2- चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से हर लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है या कोई चार्ज होता है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में लिगेंड के चार्ज की पूरी भूमिका है। चार्ज यदि पता नहीं होगा तो हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए लिगेंड को हमेशा उसका फॉर्मूला ही नहीं, हमें यह पता होना चाहिए इसमें डोनर एटम कौन सा है, और ये भी पता होना चाहिए कि इसमें इसके ऊपर चार्ज कितना है और उसका IUPAC नाम क्या है। ये सारी चीज़ें एक लिगेंड के बारे में हमें पता होने चाहिए। बुक में आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। एक छोटी सी लिस्ट यहाँ भी है जिसमें ये H2O है मोनोडेंटेट लिगेंड, एमीन मोनोडेंटेट लिगेंड, दोनों में लोन पेयर होता है, दोनों न्यूट्रल हैं। ये EN है इथाइलिन डाइएमीन जो बाइडेंटेट है, अभी हम देख चुके हैं। ये ऑक्सलेट लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेट है, 2 ऑक्सीजन एटम के थ्रू बॉन्ड बना रहा है और इसके ऊपर चार्ज होता है 2- इसके ऊपर चार्ज होता है। इसी तरह से ये डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम लिगेंड है DMG, ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये हुआ डाइइन, इसका आप शॉर्ट नेम देखिए डाइइन और इसका शॉर्ट नेम देखिए इन। ये जो इन है उसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमिन, तो डाइइन की फुल फॉर्म हुई डाइइथाइलिन ट्राइएमिन। इसी तरह से ये ट्राइइन है, इसकी फुल फॉर्म हुई ट्राइइथाइलिन टेट्राएमिन। देखिए ध्यान से सुनिए, एक एनालॉजी आ रही है यहां पर, इथाइलिन डाइएमिन, डाइइथाइलिन ट्राइएमिन और ट्राइइथाइलिन टेट्राएमिन, ये बाइडेंटेट लिगेंड है,
इसमें तीन, ये ट्राइएमीन है तो इसमें तीन एमीन ग्रुप हैं, तीन नाइट्रोजन डोनर एटम है तो ये मेटल के साथ तीन बॉन्ड बनाता है, ट्राइडेंटेट है, इसी तरह से ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, और ये जो लास्ट में है EDTA इसको हम देख चुके हैं, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो इस तरह से ये हुए कुछ पॉलीडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड देखिए क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा तरह के या दो, कम से कम दो तरह के डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक बार में वो एक ही डोनर एटम को यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे दो एग्जांपल हमारे पास में है NO2 और NO2 और SCN- का। SCN- में सल्फर और नाइट्रोजन दो डोनर एटम है और NO2- में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो डोनर एटम है। इसका एग्जांपल देखते हैं NO2- का। यहां पे आप देखिए इस फिगर में मेटल के साथ नाइट्रोजन एटम ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका हम नाम क्या बोलेंगे, नाम क्या लिखेंगे इसका, नाइट्रिटो एन। नाइट्रिटो एन से मतलब ये हुआ नाइट्रिटो इस लिगेंड का नाम है, और एन हमने इसलिए लिखा कि यहां पर पता लग जाए डोनर एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी गलत है लिगेंड की, यहां ऑक्सीजन आएगा और यहां है नाइट्रोजन एटम। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रिटो ओ। तो इस तरह से जो NO2 लिगेंड है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दोनों एटम डोनर एटम का काम कर सकते हैं, और ये NO2 लिगेंड किसी भी डोनर एटम को यूज लेते हुए एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, एक साथ दोनों को यूज नहीं ले सकता। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा तरह के डोनर एटम होते हैं लेकिन एक बार में वो किसी भी एक डोनर एटम को यूज लेते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो होगा हमारा वर्नर थ्योरी पर, आप लोग देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा। आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं उन पे कमेंट कीजिए, कोई कमी लगती है बताइए, लाइक कीजिए, और वीडियो अपने जो सेकंड ईयर के दूसरे साथी हैं उनको भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।